दोस्तों, भारत की जमीन पर कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितने कभी पहले हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं कि इन्हें जितना सुलझाना चाहे ये उतने ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गाँव में दफन है। ये गाँव पिछले 170 वर्ष से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गाँव जो रात ही रात में वीरान हो गया और आज तक लोग समझ नहीं पाए कि ये गाँव एकदम से वीरान कैसे हो गया। आखिर इसके वीरान होने का राज क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं इसके वीरान होने का राज। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 200 वर्ष पहले, जब कुलधरा एक मंदिर नहीं हुआ करता था। यहां पर भी लोग रहा करते थे, बल्कि आसपास के 44 गांव पालीवल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की पूरी नजर ही लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी पूरी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी थी। दीवान उस लड़की के पीछे इतना पागल हो चुका था कि वह किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता। उसने इसके लिए ब्राह्मणों तक पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर पर संदेश भिजवा दिया कि यदि अगली पूर्णमासी तक वह लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गाँव पर हमला करवा देगा। दीवान और गाँव वालों की अब ये लड़ाई एक कुंवारी लड़की के सम्मान की बन चुकी थी। गांव वालों की बैठक हुई और उस बैठक में 5,000 से ज़्यादा परिवार ने अपना सामान लेकर रियासत छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि सभी ब्राह्मणों ने वहां से जाते उस गांव को श्राप दिया कि वो गांव कभी भी दोबारा नहीं बस पाएगा। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन वो दो गाँव कुलधरा और खम्पा तमाम कोशिशों के बाद भी कभी दोबारा आबाद नहीं हो पाए। ये गाँव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में तो सैलानियों के लिए खोला जाता है, परंतु रात होते होते ये बिल्कुल वीरान हो जाता है। कहा जाता है कि ये गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में टूरिस्ट प्लेस बदल चुके हैं। कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां पर रहने वाले पालीवल ब्राह्मणों की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा हो। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और महिलाओं की चूड़ियों की खनखनाहट भी वहां पे सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात को किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो इस फाटक को पार कर सके। दिन की रोशनी में तो ये एक इतिहास की एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी यहाँ आया वो हादसे का शिकार हो गया। ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।